हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। मैं अनभा शुक्ला, फैकल्टी ऑफ गेट बायोटेक्नोलॉजी एट कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट लखनऊ। आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट बायोटेक्नोलॉजी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जैसा आपको पता है, कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जो कि लास्ट 10 ईयर्स से गेट बायोटेक्नोलॉजी के बैचेस रन कर रहा है और कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम यहाँ के रिजल्ट्स देखें तो इसमें आपके ऑल इंडिया 3rd रैंक है, 19 रैंक है, 34 रैंक है और भी अच्छे रैंक के साथ यहाँ से स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया हुआ है। गेट बायोटेक्नोलॉजी 2020 के लिए बैचेस 13th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, साथ में हम लोग कुछ ईयर्स के पेपर्स की एनालिसिस करेंगे, वो एरियाज मार्क आउट करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक्स भी सजेस्ट करूँगी और मैं आपके साथ कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट की टीचिंग स्ट्रेटजी और वहाँ की टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो भी डिस्कस करूँगी, जो कि आपको इस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम डिफरेंट IIT इंस्टीट्यूट कॉमनली एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जो कि एनुअली फरवरी 2nd वीक में होता है। इस एग्ज़ाम में आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपके 65 क्वेश्चंस होते हैं। इन 65 क्वेश्चंस में आपके 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होंगे एंड 55 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स के होंगे। इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन या फिर NTA टाइप क्वेश्चंस होते हैं। MCQ बेस्ड यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस आपका 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, सेकंड सेक्शन है आपका जनरल बायोटेक्नोलॉजी का जिसमें आपकी मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स आते हैं। थर्ड सेक्शन है आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का, फोर्थ सेक्शन है प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का एंड फिफ्थ सेक्शन है आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग और प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी का। अगर हम पेपर्स की एनालिसिस करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है आपका बायोप्रोसेस एरिया, क्योंकि इस एक तो इसके क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं और स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस यूनिट से घबराते भी हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी जब अच्छी होगी तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें तो अदर यूनिट्स में आपकी बायोकेमिकल और मॉलिकुलर टेक्निक्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके 3 to 4 क्वेश्चंस या 5-6 क्वेश्चंस आपके वेरी करता है, इतने क्वेश्चंस आते हैं। बायोकेमिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और साथ में आपकी बायोकेमिस्ट्री यूनिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस यूनिट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अदर यूनिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। जैसे बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज आपकी अप्लीकेबल होती है जब आप मॉलिकुलर टेक्निक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर जब बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस यूनिट की जो नॉलेज है वो आपको अप्लीकेबल होगी, वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगी। अगर हम अदर यूनिट्स में बात करें तो जिसमें आपकी मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अदर यूनिट में आपकी जो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन सबसे 2 या 3 क्वेश्चन आपके वैरी करते हैं, इनसे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रेफरेंस बुक्स की। अगर हम रेफरेंस बुक्स की बात करें तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए आप शूलर एंड कागे की बुक फॉलो कर सकते हैं। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप नजफ़ पोर की बुक फॉलो कर सकते हैं। बायोप्रोसेस प्रिंसिपल के लिए आप डॉरेन की बुक फॉलो कर सकते हैं और प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन टेक्निक्स के लिए आप स्टनबरी एंड विटकर की बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर हम प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में बात करें तो आपकी फ्रेशने की बुक जो है वो बेस्ट है। साथ में आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए इस लेटर की बुक फॉलो कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए आप बोझवानी एंड राजधान की बुक फॉलो कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप डेविड माउंट से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपकी लैरेंजर सिंपल और अच्छी बुक रहेगी और आप इसके साथ में एडिशनली एंजाइम काइनेटिक्स के लिए पामो फॉलो कर लें एंड प्रोटीन केमिस्ट्री के लिए ब्रेडन एंड ट्रूस की बुक फॉलो कर लें। मॉलिकुलर के लिए आपकी वॉटसन की बुक होगी। जेनेटिक्स के लिए आप सिमंस फॉलो कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी के लिए आप जेराल्ड काप फॉलो कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रेस्कॉट या TD ब्रॉक में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं और साथ में आप डेविड फिफिल्डर भी रीड कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजी के लिए आप क्यूबे या रॉयट की बुक फॉलो।
जैसा कि अभी तक के डिस्कशन से आपको ये पता चला होगा कि ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ है और इस एग्ज़ाम को आपको सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना है, आपको एक अच्छी रैंक भी लानी है, जिससे कि आप किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, NIT से या फिर IIT से MTech करने का चांस मिल सके आपको। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 13th of July से GATE Biotechnology 2020 के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं कैटलिस इंस्टीट्यूट में। इस इंस्टीट्यूट में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे आपको कम्प्रिहेंसिव और अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में यहाँ पे आपको एक जो भी सब्जेक्ट ऑफ जो एक्सपर्ट होंगे हर सब्जेक्ट के, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हर टीचिंग के साथ में आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ अप्लीकेबल नॉलेज भी इन्हांस हो, जिससे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकें। हर यूनिट के टीचिंग के बाद आपके रेगुलर टेस्ट भी होंगे, ये रेगुलर टेस्ट आपको आपका लेवल ऑफ जो प्रिपरेशन है वो चेक करने में हेल्प करेंगे। गेट 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको इन एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर इन क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं oncatalyst2009@gmail.com। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।